भारतीय सेना को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार का ये प्रोजेक्ट काफी कारगर साबित होगा। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और मिसाइल के हमलों से वायुसेना के लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए सरकार ने पाकिस्तान चीन सरहद के करीब 110 मजबूत शेल्टर बनाने की अनुमति दी है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये निर्माण कार्य कुछ चरणों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेना अपने फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स यहाँ बिना किसी चिंता के तैनात कर पाएगी। इन विमानों में Sukhoi-30 भी शामिल होगा। अभी इन शेल्टर्स के अभाव में सेना को अपने फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट सीमा से दूर रखने पड़ते हैं। शेल्टर्स बनने के बाद इन्हें सीमा के करीब ही रखा जा सकेगा। ।1965 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने अपने कुछ विमानों को खो दिया था। इसकी वजह यह थी कि ये विमान बिना किसी शेल्टर के एयर स्ट्रिप पर खड़े थे। 1965 के बाद से ही लड़ाकू विमानों को बचाने के लिए सीमा पर इस तरह के शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है ताकि दुश्मन के हमलों से बचा जा सके। ये शेल्टर्स कंक्रीट की बहुत मोटी दीवार से बने होते हैं जो बड़े हमलों से लड़ाकू विमानों को बचा लेते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपस पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तानी विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलवामा के बाद से ही सेना ने सरहद पर अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती शुरू कर दी है। भारत ने दुनिया को स्पष्ट किया है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने से वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। भारत का पड़ोसी पाकिस्तान लगातार सीमा पर उकसावे वाली हरकतें करता रहा है। सीमा पर अकारण गोलीबारी के चलते हमारे जवानों को भी काफी क्षति होती रही है, लेकिन सरकार के इस कदम से सीमा पर हमारी स्थिति और मजबूत होगी। साथ ही हम अपने दुश्मनों को समय पर जवाब देने में सक्षम होंगे। देश का कोई दुश्मन अब ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो भारत की सरहदों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय है और लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो देश की रक्षा शक्ति को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।